कर रहा है इसमें पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, सफाई कर्मचारी और जितने भी कोरोना वायरस के रूप में इस बैंक संलग्न है, सभी लोगों को ये प्रोटेक्शन इस अध्यादेश के माध्यम से मिलेगा। और ये जब तक ये महामारी अधिनियम लागू रहेगा तब तक उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त होगा। सीआरपीएफ जो कि बीजापुर में स्थित है, 85 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा कोरोना से रोकथाम के लिए सिविक एक्शन के माध्यम से पदेड़ा एवं इसके आसपास गांव में कोरोना के रोकथाम के लिए सामानों का वितरण किया गया। करीब 500 ग्रामीण आए जो इसमें सामानों को दिया गया है। बीजापुर के पदेड़ा और इसके आसपास के इलाके अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर ये अभियान सिविक एक्शन के माध्यम से कराया गया। इवैक्यूएशन ऑपरेशन फॉर मालदीव्स आल्सो, द इवैक्यूएशन वी विल विटनेस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स विल बी द लार्जेस्ट इन आवर हिस्ट्री। आई एम ग्रेटफुल टू इंडियन नेवी टू लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु टू इवैक्यूएट क्लोज टू 2000 इंडियंस थ्रू अ वर्चुअल सी ब्रिज फ्रॉम मालदीव्स टू कोची एंड ट्यूटिकोरिन। INS Jalashwa and INS Magar have already been deployed for this purpose. The evacuation will be in two phases with two ships, first evacuating Indians to Kochi, followed by evacuation to Tuticorin. We are giving top priority to medical cases, to women and those who have lost their jobs. The evacuation exercise will be a big relief for Indians who have been yearning to join up with their families.